तो हेलो दोस्तों, कल आप लोग का तैयारी देखिए, यहाँ पे जो क्लास टेंथ में हैं कल उनका स्टार्ट हो रहा है एग्ज़ाम, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको क्या क्या हेडमास्टर के द्वारा कहा गया है ना, प्रिंसिपल जो है क्या कह रहे हैं। देखिए, तैयारी हाई स्कूल के कल से होगी, मैट्रिक की सेटअप परीक्षा। यहाँ पे 58,000 छात्र होंगे शामिल, 58,000 देखिए छात्र शामिल हो रहा है ना। फिर यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पे कि गुरुवार के दिन, देखिए यहाँ पे गुरुवार को पहली पाली में हिंदी और दूसरी पाली में संस्कृत की परीक्षा देंगे छात्र, है ना। दो एग्जाम होगा, किस किस का, तो हिंदी का और संस्कृत का परीक्षा होगा आप लोग का, है ना। फिर यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे गोपालगंज द्वारा हम लोग का संवाददाता जो है कह रहे हैं क्या कि दीपावली और छठ की छुट्टी के समापन के साथ बुधवार से जिले के सभी स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। स्कूल खुलते ही मैट्रिक के छात्रों को अगले दिन सेंटर की परीक्षा देनी होगी। बता दें कि जिले में 23 नवंबर से बिहार बोर्ड मैट्रिक 2024 की परीक्षा शामिल होने के छात्रों की सेंटर परीक्षा शुरू होनी है। इस परीक्षा में जिले के 263 हाई स्कूल में, देखिए 263 हाई स्कूल हैं, है ना, इसमें से 58,000 से अधिक छात्रों शामिल होने की संभावना है। उसके बाद फिर कह रहा है कि इधर जो है हम लोग को इधर महापर्व जो हम लोग का ये है छठ जो है महापर्व है ना, तो ये महापर्व बीतने के बाद छात्र परीक्षा की तैयारी में लग गए हैं। मंगलवार को पूरे दिन मैट्रिक के छात्र परीक्षा को लेकर चर्चा करते रहे तथा रणनीति बनाते रहे। बोर्ड द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार परीक्षा दो पालियों में होनी है, जो 23 से लेकर 27 नवंबर तक चलेगा। 23 से लेकर कब तक, 27 नवंबर तक चलेगा। फिर हम लोग का यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि परीक्षा की सूचीकृति नियमित स्वतंत्र एवं क्वालिफाइड छात्रों को सम्मिलित होना अनिवार्य है, क्योंकि जो परीक्षा सेंटर परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, देखिए यहाँ पे जो विद्यार्थी परीक्षा में जो है उत्तीर्ण होंगे, है ना, सेंटर परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, वही मैट्रिक परीक्षा की वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल होंगे। अगर इसको थोड़ा सा आप लोग सीरियस में लीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो जो भी अगर विद्यार्थी और उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो 2024 में जो है परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। सेंटर परीक्षा के प्रश्न पत्र पैटर्न भी पूरी तरह से वार्षिक परीक्षा की तरह ही होगी, सेम टू सेम वार्षिक परीक्षा की तरह होगी। जैसे हम लोग का एग्जाम होगा ना 2024 में, हम लोग का एग्जाम मैट्रिक का सेम टू सेम उसी पैटर्न पर होगा, ठीक है। फिर हम लोग का कह रहे हैं यहाँ पे आगे सेंटर परीक्षा की पूरी तरह से, हाँ, उसके बाद हम लोग का कह रहे हैं कि प्रथम पाली जो है सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट होगा और 12:45 तक चलेगा, तथा दूसरी पाली में जो है हम लोग का परीक्षा जो है 2:00 से 5:15 बजे तक, मतलब चलेगा 5:15 तक चलेगा यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटर परीक्षा क्या कहते हैं हेडमास्टर, जो हम लोग के स्कूल के प्रिंसिपल है क्या कह रहे हैं उनके बारे में, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं। बुधवार को स्कूल खुल रहा है, गुरुवार की दसवीं परीक्षा में सेंटर परीक्षा शुरू होनी है। छात्रों को परीक्षा संबंधित जानकारी दे दी जाएगी तथा सीट प्लान भी फाइनल कर दिया जाएगा। ये जो है हम लोग के हेडमास्टर जो है बरौली के हेडमास्टर ये बोले हैं, मोहिबुल हक बोले हैं कोई, है ना। उसके बाद फिर हम लोग का यहाँ पे कह रहा है क्या, देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे कह रहा है कि परीक्षा का आयोजन छात्र के नामांकित स्कूलों में होना है। परीक्षा के पहले दिन गुरुवार को छात्र पहली पाली में मातृभाषा यानी हिंदी की परीक्षा और दूसरी पाली में उर्दू की परीक्षा देंगे, ठीक है। कोई जो जिनका उर्दू है उर्दू देंगे और जिनका ये संस्कृत है वो संस्कृत की परीक्षा देंगे और अन्य विषयों की परीक्षा भी होगी, ठीक है। कब तक एग्जाम है हम लोग का, तो 23 से स्टार्ट हो रहा है और कब तक चल रहा है, 23 से और 27 तक चलेगा, 23 से 27 तक, ठीक है। हम लोग का देखिए यहाँ पे लिख दिया है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का 23 से 27 नवंबर तक हम लोग का परीक्षा चलेगा। तो हर एक चीज़ को थोड़ा सा गहराई से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसको मिलते हैं और भी क्वेश्चंस लेके हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।